हिमाचल में आसमान से बरस रही है आग, प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। ऊना में 44.2 डिग्री और राजधानी शिमला में 28.8 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल में पेयजल पर मच रहे हाहाकार पर हाईकोर्ट ने अफसरशाही पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हालात बिगड़े हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। कांगड़ा जिला के नूरपुर ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी ने महंगाई और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में किया प्रदर्शन। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नेताओं ने कहा, जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हिमाचल के बुशहर में राजकीय केंद्र प्राथमिक स्कूल में पुलिस ने बच्चों को किया जागरूक। छात्रों को पुलिस हेल्पलाइन शक्ति बटन के बारे में विस्तार से दी जानकारी। बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में भी किया अवगत। हरियाणा के जिंद में रोड शो से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कम समय में कांग्रेस से ज्यादा देंगे नौकरियां। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी पार्टी का किया गुणगान। सीएम मनोहर लाल के ओएसडी कैप्टन भूपेंद्र सिंह को पद से हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक कुछ अन्य लोगों की भी हो सकती है छुट्टी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और मंत्रियों की बैठक में सीएमओ पर उठाए गए थे सवाल। विदेश में हरियाणा की बेटी ने किया देश का नाम रोशन। बैंकॉक में एशियन ट्रैक एंड टर्फ फेडरेशन की ATTF अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। पंजाब पुलिस का शक्ति ऐप करेगा महिलाओं की सुरक्षा। महिलाएं और स्कूल कॉलेज की लड़कियां अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर पुलिस से ले सकती है सहायता। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में फिर लगी आग, यात्रा पर मंडराया खतरा। प्रशासन रोक सकता है वैष्णो देवी की यात्रा। श्रीनगर में वाहन पलटने से हादसा, CRPF के 19 जवान घायल। अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, वाहन में 28 जवान थे सवार।